जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मस्जिद से निकला हूँ मैं इस टाइम, तो यहाँ पर मैंने एक सीन देखा है, वो आपके साथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको बताऊँगा भी, आप भी ऐसी गलती मत कीजिएगा कोई अगर मेरा भाई करता है तो। मैं आपको अभी कहीं बैठ कर तफसील से भाई समझा देता हूँ जी। तो आज मस्जिद में जो वाक़या पेश आया वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। मैंने जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में बता भी दिया है, तो अभी मैं घर आकर भाई आराम से बैठ गया हूँ। तो भाई बात यह है कि एक तो पहले मैं आपके साथ ये बात शेयर कर दूँ कि मैंने, आपने भी देखा होगा सऊदी अरब की बहुत सी मसाजिद में, मैं भी यहाँ पर देख रखा हूँ ये सीन। एक खासकर जिस इलाके में इस वक्त मैं मुकीम हूँ, यानी कि टॉप ऑफ द फीफा की तरफ, यहाँ पर यमनी अफराद ज़्यादा मुकीम हैं। तो बारह ये सऊदी अरब का ही हिस्सा है जी। तो भाई अगर कोई बूढ़ा शख्स है ना, किसी का दादा है, नाना है या उसका बाप ही क्यों नहीं, इस कदर बूढ़ा हो चुका है कि वो चल बिल्कुल आस्ता आस्ता सकता है, तो उसको पकड़कर मस्जिद में लाती हैं, बिल्कुल उसके पीछे पीछे चलता है उसका वो बेटा है या दोतरा है या पोतरा है, जो भी आप उसे बोल रहे हैं, तो वो उसके बिल्कुल पीछे चलता है। एहतराम बहुत करते हैं। अब और उस बुजुर्ग का दूसरे तमाम तर अफराद जो सऊदी हैं चाहे यमनी हैं, वो मैंने देखे हैं, उसका एहतराम बहुत करते हैं, उसका माथा चूमते हैं, हाथ चूमते हैं। ये तो एक बहुत ही अच्छी सिफत है जी इनकी। बहरहाल जो वाकया मैंने देखा है जी, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ये है भाई कि आज जैसे ही इमाम ने सलाम फेरा है जी जुमा की नमाज के बाद, तो फौरन एक लड़का खड़ा हो गया, उसके हाथ में एक बच्चा था। वो अरबी में बता रखा था कि इसको कोई मसला है तो मुझे भाई पैसा दीजिए, मेरी मदद कीजिए। तो उसी टाइम ही एक मिनट में नहीं गुजरा था, तो इमाम ने भाई माइक पकड़ा और माइक में उसको बोला, या अखी हाज ममनू, ये बात ममनू है, ये यहाँ पर मस्जिद के अंदर तुम नहीं कर सकते, बाहर चले जाओ। अच्छा, वो लड़के ने उस टाइम खामोश हो गया, बाहर चला गया। बाहर लोगों ने उसकी मदद की या नहीं की ये तो अलग मामला है, लेकिन सऊदी अरबिया में रहते हुए भाई, अगर आप कोई भी किसी किस्म की ऐसी किसी से भीख मांगते हैं बगैर परमिशन के, बगैर तसरी के, जो बल्दिया की तरफ से दी जाती है उस खातून को, उस मर्द को, कि बाकायदा तौर पर उसके पास पेपर होता है कि ये पेपर है इसके पास, इसको वाकया ही इसकी ज़रूरत है, इसकी मदद करें, तो उस पेपर के अलावा कोई भी बंदा भाई कोई भी किसी किस्म की भीख मांगता हुआ चाहे मस्जिद में चाहे मस्जिद के बाहर पकड़ा गया, तो उसके ऊपर 50,000 रियाल से लेकर 1,00,000 रियाल तक का फाइन है। ये अपने जहन में रखिए, अगर कोई खुदा न खवास्ता किसी गैर मुल्की को, किसी परदेसी भाई को ऐसा कोई मसला है, तो वो बल्दिया से रजू करे, ये वापस अपने देश चला जाए, बगैर भाई तसरी के अगर आप मांगते हुए पकड़े गए, तो 50,000 से 1,00,000 रियाल का फाइन है और जेल इसके अलावा है।